हेलो एवरीवन कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक की सो so हरियाणा में है मुरथल में है बेसिकली एंड स्टेट यूनिवर्सिटी है ए ग्रेड मिला है नैक की तरफ से इनकी तरफ से इन्वाइट किए गए हैं अप्लीकेशन काफ़ी सारे कोर्सेज के लिए इंक्लूडिंग पी एच डी सो पी एच डी नोटिफिकेशन को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे तो so, सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट डी सी आर यू एस टी एम डॉट ए सी डॉट इन पर विजिट कर सकते हैं देन यहाँ पर आपको मेन्यू टैब दिख रहा है तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर लीजिएगा फिर एडमिशन का ऑप्शन है इस पर ठीक है सो एक्सटर्नल साइट है क्योंकि एडमिशन का सेपरेट साइट है तो हम इसे ओके करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ये एडमिशन का पोर्टल है काइंड ऑफ यहीं से अप्लीकेशन एंड बाकी एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हमें मिलती हैं सो so, एक जनरल यूनिवर्सिटी ब्रोशर भी अवेलेबल है तो आप बाकी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हों या इन जनरल भी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि हाँ आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसको कॉन्टैक्टर्स का सेक्शन है तो इसको भी देख लीजिएगा कोई इशू हो तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोस्पेक्ट्स एंड ऑर्डिनेंस में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें सो so ये दोनों ही लेटेस्ट है ये हमारे लिए मतलब पी एच डी एप्लीकेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है बाकी कोर्सेज के लिए भी प्रोस्पेक्ट है एंड नोटिस भी यहाँ अवेलेबल है राइट right? और इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये पोर्टल ही है तो इसके थ्रू देखिए यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे अप्लाई नाउ के थ्रू स्टार्ट ऑलरेडी है अपलिकेशन एंड लास्ट डेट जो है वो है एट्थ ऑफ जून 2023 ओके आई एम सॉरी फॉर दिस सो आई एम रियली सॉरी सो यहाँ जब लॉग इन करना होगा तो आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं सो so, चलिए अब हम सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस को ओपन करते हैं और सीट्स वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें देखते हैं सो so, यस yes, ये है पी एच डी प्रोस्पेक्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और सेम, and, uh, yes, तो सबसे पहले यहाँ पे जो uh, कुछ टीचर्स वग़ैरह हैं जो ऑफिसर्स हैं यूनिवर्सिटी के उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह गिवन हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसको देख सकते हैं नेक्स्ट है पी एच डी तो मतलब पी एच डी स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले क्राइटेरिया है तो देखिए फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ अगर मास्टर्स किया है तो वन डी वन ईयर का मास्टर्स है फॉलोड बाई फोर ईयर का यू जी मतलब यू जी फोर ईयर प्लस वन ईयर मास्टर्स ऐसा वाला है फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ या वे टू ईयर वाला है मास्टर्स डिग्री फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल एम फिल किया है फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स हैं कोर्स वर्क में तो आप भी एलिजिबल हैं डायरेक्टली बैचलर्स के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं क्योंकि ऑफकोर्स इंजीनियरिंग के यहाँ पर डिपार्टमेंट्स भी हैं सो एट्स एम फोर ईयर वाला बैचलर्स डिग्री है सेवन पॉइंट फाइव सी जी पी ए के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं राइट एम फिल रिजर्वेशन इवेलुएट हुआ है रिकमेंड हुआ है बट फाइनल डिफेंस पेंडिंग है तो भी आप भी एलिजिबल हैं फाइव परसेंट रिलैक्सेशन है सो so एक चीज़ और कि यूजुअली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि जो ये स्टेट के हैं उन्हें ही रिजर्वेशन मिलता है तो ये चीज़ें आप एक इन्फॉर्म कर लीजिएगा सीट वगैरह तो वैसे टोटल ही दी हुई हैं कि कितनी हैं एंड usually UGC के रूल यहाँ भी फॉलो होंगे बट इसको एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए कन्फर्म कर लेना चाहिए यूजअली क्या होता है ना कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें ओपन कैटेगरी में अप्लाई करना होता है सो ड्यूरेशन थ्री टू सिक्स होता है मिनिमम थ्री मैक्सिमम सिक्स देन एडमिशन प्रोसेस है एंड इसमें हमें सबसे पहले डिपार्टमेंट्स स्लॉट्स देखने को मिलेंगे सो स्लॉट्स वेकेंसीट्स कितनी हैं सो आर्किटेक्चर एट सीट्स बायोटेक्नोलोलॉजी थ्री सीट्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सेवन सिविल इंजीनियरिंग फाइव केमिस्ट्री थ्री केमिकल ंग थर्टीन सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड एनर्जी एंड एनवॉर्मेंटल स्टडीज फाइव कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नाइनटीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ट्वेंटी फाइव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेवन ह्यूमानिटीज में इंग्लिश अवेलेबल है सो so इंग्लिश में टोटल थ्री सीट्स हैं मैनेजमेंट स्टडीज एट मैथ्स में सीट्स नहीं हैं मैकेनिकल में है ट्वेंटी टू एंड फिजिक्स में है टोटल सिक्स सीट्स तो so, ये सीट्स एंड सब्जेक्ट्स थे नेक्स्ट देखिए हरियाणा स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी विल भी फॉलोड तो इसीलिए मैंने बोला कि एक बार देख लीजिएगा इसको बाकी जो स्लॉट्स वगैरह हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो पेज सिक्सटीन पे है आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ ऐसे ही कुछ और भी पॉइंट्स हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड फिर यहाँ पर देखिए एट पॉइंट है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे भी है क्योंकि देखिए इसमें यह लिखा है कि अगर वैलिड गेट है नेट और आगे भी इस प्रोस्पेक्टिस में लिखा है कि वैलिड गेट है जे आर एफ एस सीड है या ऐसा कोई और नेशनल लेवल टेस्ट है बट आगे ये भी लिखा है बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू तो इसका मतलब तो ये होता है कि अगर आपके पास इंटरव्यू बेसिस वाला कोई टेस्ट है तो बट आई एम नॉट श्योर ठीक है बिकॉज नेट के लिए कौन सा इंटरव्यू होता है तो इसलिए मैंने बोला कि आई एम नॉट दैट मच श्योर बट एक बार देखिए अभी एट्थ जून लास्ट डेट है उससे पहले अगर आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो आपको कन्फर्म जो न्यूज़ है वो मिल जाएगी या फिर उन्होंने जिन्होंने भी पहले दिया हुआ है इसका एंट्रेंस या अगर आपको पता है तो एक बार बस कन्फर्म कर दीजिएगा कि क्या सिर्फ नेट है तो आप एलिजिबल हैं एग्जामेशन के लिए आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं ठीक है ऑल्सो ये भी लिखा है कि जो भी जनरल के मार्क्स होंगे ना काइंड ऑफ कट ऑफ तो उससे ज़्यादा अगर होंगे तो आप एलिजिबल होंगे ये सारे पॉइंट्स हैं एंड आफ्टर दैट यहाँ पर फर्दर उसी से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है पोर्टल के थ्रू एंट्रेंस देंगे अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं उसे तो आप इंटरव्यू दे पाएंगे यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट जिनके पास वैलिड जी है गेट है नेट है सीड है या कोई और नेशनल लेवल टेस्ट है बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू जैसे टीचर फेलोशिप होल्डर्स है बॉडीज़ वगैरह हैं इंस्पायर फेलोज हैं तो आप सभी एग्जेमटेड हैं ठीक है तो कैंडिडेट जो हैं जो एग्जैमटेड है वो भी चाहें तो एंट्रेंस दे सकते हैं सो दैट आप अपना वेटेज बढ़ा सकें तो बाकी क्लास थ्री में हमें और इंफॉर्मेशन मिलेगी एग्जेप्ट तो है बस एक ही चीज़ का एक ही चीज़ कन्फर्म करनी थी कि ये जो इंटरव्यू वाला लिखा है नेट के लिए सो so इसे कन्फर्म करना पड़ेगा बाकी आप चाहें तो आप भले ही एग्जेम्ट हैं बट एंट्रेंस दे सकते हैं क्योंकि जो स्कोर है ना नेट का वो मैटर करेगा वही वहाँ लिखा था कि जो स्कोर है वो ज़्यादा होगा जनरल कैटेगरी के टॉप से तब काउंट होंगे समथिंग नेक्स्ट है वो कैंडिडेट्स जो एंट्रेंस से एग्जाम्ट हैं तो उनके लिए ये भी होता है कि वो राउंड द ईयर सपोज जे आर एफ वगैरह हैं आप तो आप चाहें तो कभी भी अपने लाइक आप देख सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में कि कौन से टीचर्स हैं अगर आपको लगता है कोई टीचर हैं जिनका एरिया आप किस से सिमिलर है या जिनके अंडर आप वर्क करने में इंटरेस्टेड हों तो आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ठीक है तो यही लिखा एंट्रेंस जिन जो से जो एक्जटेड है वो चाहें तो डिपार्टमेंट सेंटर्स को राउंड द ईयर अप्रोच कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए बट मेन पीरियड के अलावा ठीक है एंड येस uh, yes, तो ये कुछ चीजें हैं ये कुछ पॉइंट्स हैं आफ्टर दैट एंट्रेंस जो होगा वो सिंगल पेपर होगा हंड्रेड एम होंगे एंड वन ट्वेंटी मिनट्स का आपका पेपर होगा सभी आंसर्स देने होंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दो पार्ट्स होंगे पार्ट ए में रिसर्च के फिफ्टी क्वेश्चन होंगे एंड पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट के फिफ्टी क्वेश्चन होंगे सिलेबस या जो सैंपल कॉपी है बेसिकली वो यहाँ पर इस लिंक पर अवेलेबल है तो देख लीजिएगा एंड यस एम बेस्ड ही होगा एंड उसे क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप इंटरव्यू दे पाएंगे डायरेक्टली राइट देन यहाँ थर्टी सेवेंटी का रेशियो होगा तो ये लिखा हुआ है डी आर सी के असेसमेंट तो मेरिट लिस्ट का बेसिस क्या होगा क्राइटेरिया क्या होगा वो लिखा है सो सेवेंटी परसेंट एंट्रेंस के मार्क्स थर्टी परसेंट इंटरव्यू के मार्क्स ठीक है ये है जनरल क्राइटेरिया अब अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो आपके लिए कि अगर आप जी आर एफ वगैरह हैं तो पचास नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे ठीक है एंड उसके बाद आप इंटरव्यू का जो भी मार्क्स होगा या फिर अगर सिर्फ नेट क्वालिफाइड है तो आपको थर्टी फाइव मार्क्स मिलेंगे तो जे आर एफ को फिफ्टी मिलेगा नेट गेट डी एस टी इंस्पायर फेलोज़ को थर्टी फाइव मिलेगा ठीक है तो यस इसको देख लीजिए बाकी आप चाहें तो एंट्रेंस दे सकते हैं ताकि वेटेज बढ़े क्योंकि फिर उसमें जितने मार्क्स होंगे उसका सेवेंटी परसेंट काउंट होगा एंड येस देन यहाँ पे फर्दर और भी पॉइंट्स हैं तो आप इन सभी को एक बार पढ़ लीजिएगा जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कोई इशू है तो आप मुझे बताइएगा आई एम ट्राइंग कि जितना भी हो सके उतना रिप्लाई कर पाऊँ सो so, येस yes, इसके अलावा कॉन्टैक्ट इसका तो सेक्शन था देन यहाँ एंट्रेंस टेस्ट एंड सिलो भी लिखा हुआ है तो सिलेबस वगैरह क्या होगा वो देख सकते हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैथ्स में तो सीट नहीं है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सी एस आई एर का सिलेबस फॉलो होगा इंग्लिश मैनेजमेंट के लिए यू का फॉलो होगा बाकी इन्वयमेंटल स्टडीज़ के लिए आपनेक्शोर ये देखिए तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं नेक्स्ट यहाँ पे एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस दे रहे हो तो देख लीजिएगा फिर है फीसचर सो टोटल ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड है जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे पे करना होगा और भी कैसे कैसे ऐड होंगे वो चीज़ें हैं हाउस सॉरी हॉस्टल रूम रेंट कितना है सिंगल अकोमोडेशन के लिए सिक्सटीन सिक्सटी वन हंड्रेड ईयरली लिखा हुआ है ओके okay, तो सिक्सटी वन हंड्रेड ईयरली ठीक है आई थिंक दैन शेयरिंग अकोमोडेशन अगर शेयरिंग में लेते हैं आप तो उस केस में अराउंड फोर थाउजेंड है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है सबको नहीं मिलती है वो उन्हें मिलती है जो प्री पी एच डी कोर्स वर्ग के टॉपर्स होते हैं ठीक है और अगर उन्हें कोई और नहीं मिल रही तो उन्हें मिलेगी अगर एक से ज़्यादा का सेम मतलब एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स का सेम है तो उस केस में जो भी और वगैरह रूल होते हैं टाइप ब्रेकर उसके थ्रू डिसाइड होगा तो बेसिकली ये नहीं कर सकते कि दोनों या तीनों जितने भी होने दें नहीं एक ही को मिलेगी ये तो श्योर है नेक्स्ट अदर स्कॉलरशिप्स हैं तो जैसे यूजीसी वगैरह की है तो वो उसके बारे में है वैसे तो मुझे लगा था कि शायद यू मिलती है फेलोशिप बट एनीवे वे देन काउंसलिंग एंड एडमिशन से रिलेटेड लाइक फर्दर जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड है नाउ स्टार्ट ऑलरेडी है लास्ट डेट है एट्थ ऑफ जून फिर एडमिट कार्ड्स फोर्टी तक आएंगे जो एंट्रेंस है वो नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन को है ठीक है उन्नीस बीस इक्कीस जून को होगा वहीं पे होगा मुरथल में होगा तो देखिए आप जाने के लिए प्रिपेयर रहिएगा एटलीस्ट यहाँ आपको जाना है नहीं हुआ तो वो फिर बात की बात है नेक्स्ट सीट मैट्रिक्स तो किस कैटेगरी में कितनी सीट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल जो सीट्स हैं वो वन थर्टी एट हैं सो यस आफ्टर दैट यहाँ पर जनरल जो रूल्स वगैरह हैं फिर वो भी लिखे हुए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं देन एन एक्स श्योर्स है जिसमें कि फॉर्मेट दिए हुए हैं टम्पलेट है अलग अलग फॉर्म्स का ठीक है तो यस yes, अगर आप का कोई ऐसा फॉर्म है तो उसको देख लीजिएगा इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो होना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट वाइज लिस्ट है जो फेक यूनिवर्सिटीज़ है ओके okay, सो so इसे हम करते हैं कवर किसी नेक्स्ट वीडियो में फ़िलहाल इस पी एच नोटिफिकेशन से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन थी एंड अब हम देखते हैं एक बार ऑर्डिनेंस सो यस ये पी एच डी ऑर्डीनेंस है एंड इसमें भी वैसे तो सिमिलर इन्फॉर्मेशन होती हैं काइंड ऑफ बट स्टिल सो क्या पूरा पी एच डी जो ड्यूरेशन होगा आपका इस यूनिवर्सिटी का तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं वो सारी चीज़ें हमें ऑर्डिनेंस so, से मिलती हैं सो एंट्रेंस एग्ज़ाम या एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से लेकर के एंड में थीसिस सबमिशन तक का सारा तक की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं सो so, डी वगैरह जो कॉन्स्टिट्यूट होती है उससे रिलेटेड है फिर कोर्स वर्क कैसे होता है क्या चीज़ें होती हैं वो सारे पॉइंट सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन की गई हैं सो so, आप इसको देख सकते हैं बाकी स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है बट बठा सबको मिलेगी ऐसा कहीं नहीं लिखा है सो यस आई थिंक इसमें वैसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट हो वैसा कुछ नहीं है ये आगे एडमिशन के बाद की ही चीज़ें हैं तो देख लीजिएगा आप एक बार कि कौन कौन से रूल्स हैं जो कि जिनके थ्रू आप गवर्न किए जाएंगे बाकी यस yes, ये था आज का वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देख लीजिएगा इसे शेयर कर दीजिएगा एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो